बीपीएससी एग्जाम से संबंधित आपका जितना भी डॉट है सभी डॉट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा डॉट है न्यूनतम एज को लेकर, न्यूनतम उम्र 20 साल है या 21 साल। पीटी परीक्षा पास करने पर कब एवं कैसे 50,000 रुपये सरकार की ओर से दी जाती है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और बीपीएससी एग्जाम में कितना अटैम्प्ट है, सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं क्या उसके लिए 3 ही बार अटैम्प्ट है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और इस बार 67वीं में डीएसपी का कितना पोस्ट शामिल किया जाएगा, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना एग्ज़ाम देना पड़ता है और पीटी मेंस एग्ज़ाम में कितने दिनों का गैप रहता है, ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, हिंदी माध्यम से रिजल्ट होता है या नहीं, इसके अलावा जो भी डॉट होगा ये भी डॉट आपका इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी में सिलेक्शन कैसे होता है। बीपीएससी में जो सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम के आधार पर प्लस इंटरव्यू के आधार पर। बीपीएससी में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यह 3 चरण में है। सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम देना है, पीटी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं इसके बाद मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा लिया जाता है। पीटी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा। पीटी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पीटी परीक्षा पास करने के बाद मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपका इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जाएगा। मेरिट जो बनेगा मेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर। प्रारंभिक परीक्षा का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। अब चलिए पीटी मेंस और इंटरव्यू के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद आगे का जो भी डाउट है ये भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो पीटी परीक्षा जो ली जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ए बी सी डी ई। यह ऑफलाइन ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। इसके लिए आपको 2 घंटा 120 मिनट का समय मिलेगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन बनाना रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गया, समय 2 घंटा आपको मिलेगा। इसमें किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ साइंस जीके बिहार से रिलेटेड और करेंट अफेयर से मिलाकर 150 क्वेश्चन, जिसमें से मैथ से 10 क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिलाकर अब 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास में सबसे अधिक 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे अधिक आधुनिक भारत से रिलेटेड 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड और 25 क्वेश्चन नेशनल लेवल का पूछा जाता है करेंट अफेयर्स में, और बिहार जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी से 10 से 12, पॉलिटी से 8 से 10 और इकोनॉमिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाएगा। पीटी परीक्षा में अगर आप पिछली बार 66वीं का 108 कट ऑफ गया था, तो इस बार पिछली बार से वैकेंसी अधिक है, अगर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 105 106 क्वेश्चन बनाने पर आपका पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 12 से 13 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाता है। रूल यह है कि 10 गुना का, लेकिन पीटी परीक्षा में जो भी वैकेंसी है, अगर वैकेंसी मान लीजिए 600 है तो 600 का 12 गुना रिजल्ट मेंस एग्जाम के लिए दिया जाता है। मेंस एग्जाम के लिए आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद फॉर्म का रिसीविंग निकाल करके आपको बीपीएससी का ऑफिस भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ता है, और जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट भी इसमें आपको अटैच करना पड़ेगा। मेंस एग्जाम का अब अलग तरह से पैटर्न है। मेंस एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं में पूछा जाता है। यह होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, कॉपी पर आपको पेन एंड पेपर मोड में लिखना पड़ता है। इसमें जिस तरह से आप 10वीं 12वीं का एग्जाम देते हैं कॉपी पर लिखना पड़ता है क्वेश्चन का, सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव टाइप का इसमें क्वेश्चन है। और मेंस एग्जाम का पैटर्न, इंटरव्यू का पैटर्न अगर आप डिटेल्स से जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है बीपीएससी का डिटेल्स सिलेबस, उसको आप देख लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस एग्जाम में कितना पेपर देना पड़ता है, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जिसमें से आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, कितने मार्क्स का रहता है, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मेंस एग्जाम यहाँ से क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव टाइप का इसमें टोटल 4 पेपर है। पहला पेपर है सामान्य हिंदी जनरल हिंदी का, जिसमें से 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर है GS पेपर 1। GS पेपर 1 में इतिहास, करेंट अफेयर्स और सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस एग्जाम में प्रत्येक पेपर जो है 300 अंक का, और समय इसमें आपको 3 घंटा का दिया जाएगा। तो GS पेपर 1 3 घंटे का हो गया। GS पेपर 2, GS पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह भी 300 अंकों का है। इसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मेंस में टोटल 4 हो गया, GS पेपर 1, GS पेपर 2, ऑप्शनल और सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है, मेरिट में यह नहीं जोड़ा जाता है। ऑप्शनल पेपर आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। टोटल 34 विषय दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, इसमें से आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो यह हो गया 900 अंक का मेंस,
और 100 अंक का हिंदी है, तो हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। इसके बाद है इंटरव्यू। मेंस एग्जाम का रिजल्ट जो दिया जाता है 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब जो है इंटरव्यू 120 अंकों का है, आपका मेरिट बनेगा मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो बीपीएससी में किसी भी चरण में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पीटी परीक्षा में सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बीपीएससी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं, अभी से आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा और पीटी परीक्षा में सभी 150 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। फाइनल मेरिट जो बनेगा मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर, तो मेंस एग्जाम में 4 पेपर है, हिंदी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। जीएस पेपर 1 300 अंक का है, जीएस पेपर 2 300 अंक का है, इसके बाद 300 अंक का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल आपको खुद चूज करना है, प्लस 120 अंक का इंटरव्यू हो गया, तो टोटल 1020 अंक हो गया। इसी 1020 अंक के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा पीटी का मार्क्स भी मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कितना ये एग्ज़ाम इसमें देना पड़ता है और परीक्षा कब ली जाती है। तो सबसे पहले अभी आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद पीटी परीक्षा 3 महीने में ली जाती है, हर बार 3 महीने में ही ली जाती है, 3 से 4 महीने में, बहुत समय हो गया, 3 महीने में पीटी परीक्षा ली जाएगी। पीटी परीक्षा के 2 महीने में इसका रिजल्ट दे दिया जाता है। परीक्षा जब ली जाती है तो 10 से 15 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी किया जाता है। अगर आंसर की में कोई भी त्रुटि है तो आपको ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन का भी समय दिया जाता है। इसके बाद 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट दे दिया जाएगा पीटी एग्जाम का। पीटी एग्जाम का जब रिजल्ट दिया जाता है तो इसके बाद मेंस का फॉर्म निकाला जाता है, तो इसके लिए 1 महीने का समय रखा जाता है। मेंस का आपको फॉर्म फिलअप करके बीपीएससी का ऑफिस भी डॉक्यूमेंट के साथ आपको स्पीड पोस्ट करना है। मेंस एग्जाम जो है पैटर्न बीपीएससी का फास्ट हो गया, सभी एग्जाम जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाता है। मेंस एग्जाम पीटी रिजल्ट के बाद 3 से 4 महीने में हर हाल में ले लिया जाएगा। मेंस एग्जाम में कॉपी ऑफलाइन चेक किया जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट में, तो 3 से 4 महीने में मेंस का भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत इंटरव्यू शुरू किया जाता है, इंटरव्यू जैसे ही खत्म होगा 10 से 15 दिनों में रिजल्ट दे दिया जाता है। अगर कुछ मेडिकल को लेकर ऑब्जेक्शन रहता है थोड़ा सा समय लगता है, नहीं तो 10 दिनों में फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद। यहाँ से आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गया, लगभग 1.5 साल में अब बीपीएससी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगले साल लास्ट तक आप लोगों का जो 2022 का अभी जो 67वीं की वैकेंसी आई है 2021 में, तो अगले साल 22 में पूरा यह कंप्लीट हो जाएगा लास्ट तक। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन को लेकर नए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट जो होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रखा गया 5 नवंबर 2021, 5 नवंबर 2021 तक ग्रेजुएशन अगर किसी भी विषय से, स्नातक लेवल की कोई भी डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, मेडिकल क्षेत्र का ही कोई भी डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री होना चाहिए, विषय का यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, इसी विषय से होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री मांगा जा रहा है 5 नवंबर 2021 तक। अब फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उसको डाउट है, तो अगर आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिए, अगर आपका रिजल्ट 5 नवंबर 2021 तक आ जाता है, इस फॉर्म के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 5 नवंबर 2021 तक रिजल्ट नहीं आता है, बाद में मान लीजिए दिसंबर में दिया जाता है, अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो फिर फाइनल सिलेक्शन के समय आपको छांट दिया जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट 5 नवंबर 2021 तक नहीं आया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप ग्रेजुएशन पास कर गए हैं या फिर फेल हुए, इसलिए 5 नवंबर 2021 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे दूसरा, यहाँ पर बड़ा डॉट है मिनिमम एज को लेकर, और यह डॉट नए स्टूडेंट को है, तो 1 अगस्त 2021 तक एज मांगा जा रहा है। और आप विज्ञापन में देखिएगा तो 3 तरह का कंडीशन है, 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है। तो कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 22 साल है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए 21 साल है, और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए 20 साल है। तो अभी विज्ञापन में जो भी वैकेंसी दिया गया टोटल 16 विभाग से, तो इसमें 20 साल का कोई भी अभी वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसमें डीएसपी का पोस्ट शामिल किया जाएगा। डीएसपी पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 20 साल है, तो अगर डीएसपी का पोस्ट शामिल किया जाता है और अगर आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है, डीएसपी के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 20 साल में भी आपको यहाँ पर जॉब हो जाएगा। अगर यहाँ पर डीएसपी का पोस्ट शामिल नहीं किया जाता तो फाइनल के समय कोई भी ऐसा पोस्ट अगर 20 साल का नहीं रहता है तो अच्छा मार्क्स आने के बाद भी आपको छांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर नए स्टूडेंट को डाउट है, तो अगर आपका एज 1 अगस्त 2021 तक 20 साल कंप्लीट हो गया तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। इससे होगा क्या कि इसमें डीएसपी का पोस्ट बहुत ज़्यादा चांस है कि शामिल किया ही जाएगा, अगर शामिल किया जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी आप पीटी परीक्षा दीजिएगा और इसी बहाने आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर आप पीटी एग्ज़ाम पास कर जाते तो इस
परफॉर्मेंस दीजिएगा, आपको पैटर्न सब कुछ समझ में आ जाएगा। बीपीएससी में किस तरह से मेंस एग्जाम होता है, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और 20 साल कंप्लीट हो गया तो ज़रूर फॉर्म भर दीजिए, चाहे वैकेंसी शामिल किया जाए या नहीं, आपको तैयारी हो जाएगा पीटी परीक्षा का। मेंस के पैटर्न के बारे में भी आप समझ जाइएगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको मिनिमम का कंडीशन क्लियर हो गया। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, इसके बाद फीमेल और बीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40 साल का एज दिया हुआ है, 3 साल। अगर आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं और जनरल कैटेगरी में फीमेल है तो 40 साल का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है फीमेल के लिए भी, और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 42 साल का एज का कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम अटेम्प्ट की, तो बीपीएससी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट का कोई कंडीशन नहीं है, 2003 से इसे ख़त्म कर दिया गया। पहले अटेम्प्ट था यूपीएससी के तरह बीपीएससी में भी, लेकिन 2003 में अटेम्प्ट को ख़त्म कर दिया गया। बीपीएससी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट का कोई कंडीशन नहीं है, जब तक आपका एज बचा हुआ है आप इस फॉर्म को जितना भी बार चाहते हैं भर सकते, एग्ज़ाम दे सकते। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल का कंडीशन है, फीमेल के लिए 40 साल है, बीसी ईबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों का 40 साल है, एससी एसटी कैटेगरी से मेल फीमेल दोनों का 42 साल है। जब तक आपका एज बचा हुआ है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर विज्ञापन में आप देखिएगा तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट जॉब, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसके लिए 3 अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपका एज 37 साल तक है तो यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट आप पर भी लागू नहीं होता है जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एज 37 साल से अधिक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो सरकार का नियम यह है कि अगर आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी है तो 5 साल का आपको उम्र में छूट मिलेगा। तो सिर्फ अटेम्प्ट जो लागू है सिर्फ छूट वालों के लिए। अगर यहाँ पर आप उम्र में छूट लेते, 37 साल तक अगर आपका उम्र है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आप पे अटेम्प्ट कोई भी लागू नहीं है। अगर आप यहाँ पर 5 साल उम्र का छूट ले रहे हैं, अगर आपका उम्र 40 साल है तो उस कंडीशन में आप 3 ही बार एग्जाम में यहाँ पर दे सकते हैं 37 साल से अधिक कंडीशन होने पर। यानी आप सिंपल सा ये समझिए कि सरकार की ओर से 5 साल का एज का कंडीशन दिया हुआ है, इस 5 साल में आप छूट लेकर 3 ही बार एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया, जो उम्र में छूट लेगा अधिकतम उम्र में उसी के लिए यहाँ पर 3 बार का अटेम्प्ट लागू है, बाकी किसी के लिए अटेम्प्ट का कोई कंडीशन नहीं है। अब बात करते हैं डीएसपी एसटीएम पोस्ट की, तो इस बार एसटीएम का जो टोटल पोस्ट शामिल किया गया 88 टोटल पोस्ट है, और डीएसपी का 20 पोस्ट अभी कंफर्म हो गया, अभी शामिल नहीं किया गया, कुछ दिनों में शामिल किया जाएगा, बाकी 40 पोस्ट और इसमें जुड़ने का अनुमान है। तो इस तरह से 60 प्लस पोस्ट इस बार शामिल किया जाएगा। और बीपीएससी का रूल यह है कि पीटी एग्जाम से पहले इसमें जो भी वैकेंसी यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भेजी जाएगी विभिन्न विभागों के द्वारा, तो पीटी परीक्षा से पहले इसी वैकेंसी में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा इस बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी 65वीं 66वीं में भी बाद में वैकेंसी को और शामिल किया गया था, तो इस बार भी उम्मीद है कि 60 प्लस पोस्ट इसमें डीएसपी का शामिल किया जाएगा। बाकी एसडीएम का पोस्ट इसमें पहले से क्लियर हो गया, 88 टोटल पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर एक और डॉट रहता है हिंदी मीडियम रिजल्ट को लेकर। अभी आप देखें कि यूपीएससी का रिजल्ट दिया गया 3-4 दिन पहले, तो यूपीएससी में हिंदी माध्यम से 8 से 10 ही कैंडिडेट का रिजल्ट हो पाता है, तो क्या ऐसा बीपीएससी में भी है? बीपीएससी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अधिक सिलेक्शन हिंदी माध्यम से ही कैंडिडेट का होता है। वैसे बिहार में राजकीय भाषा हिंदी है, ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी माध्यम से ही है, तो सबसे अधिक हिंदी माध्यम से ही परीक्षा देते हैं और सबसे अधिक सिलेक्शन हिंदी माध्यम से ही होता है, तो बीपीएससी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम में लिखेगा तो कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में लिखे आपको बराबर ही मार्क्स मिलने वाला है, हिंदी माध्यम को लेकर आपको बिल्कुल भी डॉट में नहीं रहना है। अब बात करते हैं कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, तो पिछली बार 66वीं में पीटी का जो कट ऑफ गया था 108, जनरल कैटेगरी का 108 पर सिलेक्शन हुआ था। पिछली बार के कंपेयर में इस बार वैकेंसी अधिक रहेगा तो रिजल्ट भी अधिक दिया जाएगा। 105-6 क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका पीटी परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए यहाँ पर कट ऑफ अधिक जाने लगा है, और जो भी एसएससी रेलवे वाले कैंडिडेट है इसमें फॉर्म फिलअप कर देते हैं और उसकी तैयारी बहुत ही बेहतर रहता है, मैथ साइंस जीके हो या फिर करेंट अफेयर्स हो, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ और अधिक जाने लगा है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था 64वीं का 535 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था 1020 में से, और यहाँ पर पैटर्न के बारे में आप पहले ही देख लिए, तो 1020 में से 535 पर सिलेक्शन हुआ था, तो सिंपल सा आप ये समझिए कि 53 से 54% अगर आप इसमें नंबर ला लेते हैं तो फाइनली आपका किसी न किसी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा 1020 का। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो फॉर्म भरते इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ेगा।
जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th 12वीं और ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी मार्क्स आया है या कब आप पास किए उससे संबंधित चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ेगा। बाकी विज्ञापन में लिखा हुआ है कि अभी ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट बाकी सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। मेंस एग्जाम का जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल करके साथ में सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी आपको बीपीएससी ऑफिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो आप स्कूल कॉलेज से सभी डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, बाकी आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अभी ही बना लीजिए। और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार की ओर से मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये दी जाती है पीटी परीक्षा पास करने पर। तो जब आप पीटी एग्जाम पास कर दिएगा तो एक सप्ताह में फॉर्म निकाला जाता है। कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। BCEBC एवं SC ST का अलग अलग वेबसाइट है, BCEBC वेलफेयर, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। पीटी का रिजल्ट आने के एक सप्ताह के बाद फॉर्म भराना शुरू हो जाता है। 1 महीने का समय दिया जाता है फॉर्म भरने का और 2 से 3 महीने में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो धीरे धीरे और प्रोसेस को फास्ट किया जाएगा तो जल्द ही पैसा अकाउंट में दे दिया जाएगा और यह सिर्फ आपको एक ही बार इसका लाभ मिलेगा। UPSC का अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो 1,00,000 रुपये दी जाती है। BPSC PT पास करने पर आपको 50,000 रुपये मिलेगा।